मध्य प्रदेश में होली के दिन सियासी ड्रामा रहा। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात कर बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर मोहर लगा दी। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसने ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के बीच डील करवाई है। खबरों के मुताबिक ज्योतिरादित्य को बीजेपी तक लाने और फिर गृह मंत्री अमित शाह वो पीएम मोदी तक पहुंचाने वाला बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम है। जफर इस्लाम मीडिया के लिए जाना पहचाना चेहरा है। राजनीति में आने से पहले जफर इस्लाम एक विदेशी बैंक के लिए काम करते थे और लाखों रुपए का वेतन पाते थे। लेकिन मोदी की राजनीति से प्रभावित होकर जफर इस्लाम ने बीजेपी से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। ऐसा कहा जाता है कि पीएम मोदी से जफर इस्लाम के अच्छे ताल्लुकात हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी हाईकमान ने इतने बड़ा ऑपरेशन चलाने की जिम्मेदारी दी। आपको बता दें कि जफर ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहले से जानते रहे हैं। सिंधिया जब कभी दिल्ली रहते थे तो उनसे जफर की मुलाकात अक्सर हो जाया करती थी। लेकिन जफर पिछले 5 महीनों से ज्योतिरादित्य को बीजेपी में लाने के सिलसिले में उनसे मिल रहे थे। हाल ही में ज्योतिरादित्य और जफर की लगातार 5 बैठकें हुई थी। न्यूज़ डेस्क।